करने को जुर्म है, ये बात जो सही है वो करनी चाहिए। बहरहाल उसी वक्त यह एंटीसिपेट किया जा रहा था कि स्टे ऑर्डर मिल जाएगा कि 24 फरवरी को पंजाब में जैसी सूरत हाल थी वो बहाल हो जाए। कुछ लोग उसकी लीगैलिटीज भी पढ़ेंगे, कुछ सिनिसिज्म भी करेंगे, कुछ लोगों के यहां बिटरनेस भी है, लेकिन फैक्चुअल बात यही है, सियासी फैसले होते हैं और उसूलों की बिना पर जो फैसला होता है एक हुकूमत की ना पहली उसके चीफ मिनिस्टर की या फिर गवर्नर आज वो अनएक्सेप्टेबल था, वो डायरेक्ट नहीं हो सकता था। अच्छा हुआ कि उसमें करेक्शन का एक रास्ता निकल आया है। बड़ी बात है जी, मशा कितने बाकायदा समुद्र को कूड़े में या कूड़े को समुद्र में बंद कर बहाल नाम कुछ किया आपने। और आज मेरे ख्याल में कुछ लोग तो ज्यादा अदालती फैसले पर एतराज भी कर रहे हैं कि जी ये वो आजाद अदलिया का फैसला नहीं है, उसकी दी गई है और शायद बात उनकी कुछ दुरुस्त हो, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर थी कि सियासतदानों की जैसे कि वो आपने भी कहा और ए एन का भी यही था, लता मानसारे भी यही था, अल्लाह को बड़ी दूसरी अच्छी बात उनके मुंह से निकल दिया कि सियासतदानों को सियासी मैदान में रखा जाए, अदालत सियासतदान की राय ली साथ हैं कहेंगे तो दो दिन में आप अक्सी साबित कर देंगे, वो दूसरा दिन ना आया फिर 16 मार्च आ गया और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। क्या हुआ तो क्या ना हो पाया उसको तो आप छोड़ें, क्या हुआ ज्यादा बेहतर यह है मोनू सिलाही साहब नौजवान एम पी ए हमारे पी एम एल हफ के, अगर वही हमें बताएं कि क्या ये जी बिल्कुल नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? बस ठीक ठाक। अच्छा भैया आप कैसे देख रहे हैं जो आज आप इस पर हैरान तो नहीं हुए होंगे? कुछ हैरानगी तो हुई है ना जी, क्योंकि फैसला जो भी हो उस पर तो मैं कॉमेंट नहीं करना चाहता, पर अगर फैसला किसी एक जात की हक में हो तो उसका अलग व्यू पॉइंट बनता है और अगर किसी के खिलाफ हो तो वो अलग बनता है। तो जो भी हुआ जी, अब जो प्रेशर है वो पंजाब गवर्नमेंट पे है कि ये डिलीवर करे, हम तो अपने मौके पे खड़े हैं जी कि इन दो तो अब यही आगे बढ़े। और अब कि अब जो डेवलपमेंट हुई है उसकी रोशनी में क्या आप देख रहे हैं कि वाकई सूरत हाल 24 फरवरी को वापस जा रही है? 24 फरवरी की जब मैं वापसी की बात कर रहा हूं मुनि साहब, तो मेरे जो में ये नहीं है शराज शरीफ साहब की और चीफ मिनिस्टर वापसी, बल्कि ये है कि कोएलिशन ऑफ पीपीपी एंड पीएमएलएन, आप क्या देख रहे हैं कि वो भी कंटिन्यू करेगी या नहीं? आपकी गट फीलिंग क्या है या एनालिसिस क्या है? वो करनी चाहिए जी, कोलिशन इनकी कंटिन्यू करनी चाहिए और दोनों को खासतौर पर पीएमएलएन को सबसे ज्यादा शुक्रिया हमारा अदा करना चाहिए कि हमने एक मौका मिला, हमने उसको नहीं अवेल किया उस तरीके से और ये आज हालात इनके दोबारा बन गए कि ये गवर्नमेंट में आ गए। अच्छा मोनस, ये कोशिश भी मौका उनको नहीं दिया, आपको मिला भी, लेकिन बावर यही कराया जाता है क्योंकि जो आपकी जो फॉरन विभाग था उसकी तादाद में बजाय कमी आने के दिन ब दिन इजाफा होता चला गया, जिसके बाद आपके पास भी कोई चांस नहीं था कि अगर आप पीस पार्टी के पास जाते तो एक और ग्रुप आपसे टूट के जो है अलहदा हो जाता और पीस पार्टी के साथ जाता, इसलिए मजबूरन आपने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया जिसके बाद सुल्तान नहीं जी ऐसी बात नहीं, हम तो डेवर से हमारी हुई पॉलिसी थी और आज हम उसी पर खड़े कि हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, इन दो बड़ी जमातों ने वोट लिए तो डिलीवर
डिलीवर करें। जहां तक पावर ब्लॉक और इन एमपीएस की बात है, तो अनफॉर्चुनेटली पंजाब की पॉलिटिक्स रही इस तरह की। अगर आप हिस्ट्री देखें ना पंजाब की, वो इसी तरफ लिख जाते हैं जिस तरफ इकतदार नजर आता हो। नहीं महज, लेकिन पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ कि उस तरफ लोग नहीं गए जिस तरफ इकतदार था, लोग रिजिस्ट किया उन्होंने। नहीं बिल्कुल उसी तरफ गए। आपको याद होगा कि जितनी देर मामला अनसर्टन थे और हमारी बातचीत दोनों पार्टियों से चल रही थी, तो सबसे ज्यादा लोग हमारे पास आ गए थे। अच्छा, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि आप उनको आप वापस लाएंगे, उनका क्या होगा? तो शायद आप जो ग्रुप है उससे ज्यादा हो जाएगी, तो क्या एक दिक्कत अगर ये है कि शायद वो काफ नहीं बन जाए और आप ब्लॉक बन जाए, इस तरह की कोई? जी बिल्कुल, इसलिए पोजिशन है। और अगर आप चाहें तो आप एस एम मुजफ्फर साहब को भी कंसल्ट करें, वो आपको क्लियर करेंगे कि लीगली इसकी कोई चैलेंज नहीं बनती। जो पार्टी हेड होता है, जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, वो नोटिफाई करता है कि पार्लियामेंट पार्टी की लीडरशिप का, और वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब अगर ये उसको कोई गेम खेलने की कोशिश करें पोलिटिकली, तो वो अलग चीज है, पर लीगली इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन मोनस, ये तो कहा जाता है कि पार्लियामानी पार्टी का इंतखाब तो जो वहां एमपीएस होते हैं जो हाउस के अंदर होंगे उस पार्टी के, वो जिसको अलग करेगा अपना अपने पार्लियामानी लीडर, वही उनका पार्लियामानी लीडर होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें एक ये भी चीज है, अगर आप पढ़ेंगे जी, जो अनिका पार्टी के आइन के मुताबिक होता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आइन में लिखा हुआ है कि इसी तरह होगा, पर उसमें सदर और जो पार्टी का सदर है उन दोनों की आएगी, तो फिर उसको चेंज किया जाएगा। प्लस 51% जो एमपी है उनकी रजामंदी शामिल हो। अगर 51% से ज्यादा अगर चल जाए, तो मुल्क का निजाम जो है पीएमएल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो आपकी पट्टी है, उसके आयन के तहत तो नहीं चलेगा वो, तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है असेंबली के अंदर उस पर चलेगा, और उसमें शायद सूर्त आपके फेवर में ना हो। जी नहीं, रूल जो है ना असेंबली के जी, वो ये है कि हर पार्टी का जो आयन है वो लागू होता है ना जी, उस तरह तो नहीं हो सकता। वो तो फिर हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है, वो एक जो है वो सब पार्टी पे तो नहीं लागू हो सकता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये जो एक्चुअल बात है, असम जफर साहब का भी ये हवाला दे रहे थे, मुझे किसी ऑर्डर भी कहा, अभी मुझे डिनर पे भी मिले हैं असम जफर साहब, वो प्योरली लीगलिस्टिक माइंड के साथ वो वही बात कर रहे थे जो मुनिस कह रहे हैं, और वो वाले बंदा वो भी बहुत लायक है। खदशा जो है, खदशा करके आपको याद होगा, April 1993 में गुलाम साहब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी थी, डिसमिस की थी, और पहली मरतबा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने उसको रिस्टोर किया था। बल्कि आज जब तो मैं वो सेमिनार वो जफाक अफगान सैफमा का हो रहा है, वहां था, तो वहां छोटे सूबे के एक बड़े ठंडे मिजाज